भर्ती दौड़ में गश खाकर गिरे। यहाँ पर दो युवक जेल वार्डन भर्ती की दौड़ लगा रहे थे, दोनों ही यहाँ पर दोनों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। जेल वार्डन भर्ती की दौड़ में यहाँ पर हिस्सा ले रहे थे, एक युवक की यहाँ पर मौत हुई है, दूसरा गंभीर रूप से यहाँ पर अभी भी बीमार है। मृतक युवक गोरखपुर के पीपीगंज का निवासी, दूसरा गंभीर स्थिति में जो युवक है वो बस्ती जिला निवासी है। 400 मीटर सर्किल के 12 चक्कर लगाने थे और 11वें चक्कर में गश खाकर गिरे थे दोनों। और PSC 26 वाहिनी में दौड़ परीक्षा शुरू हुई है जिसमें दोनों ही युवकों ने हिस्सा लिया था। हालांकि एक युवक की स्थिति अभी भी नाजुक बताई जा रही, 11वें चक्कर में गश खाकर दोनों ही युवक गिरे थे। PSC 26 वाहिनी में दौड़ के लिए प्रतियोगिता भर्ती दौड़ में गश खाकर गिरे दो युवक, एक युवक की यहाँ पर मौत, दूसरा गंभीर रूप से अभी भी बीमार। जेल वार्डन भर्ती के मामले में गए थे दोनों। मृतक युवक गोरखपुर के पीपीगंज का, दूसरा गंभीर युवक जो है वो बस्ती के पास का बताया जा रहा है। तो गंभीर रूप से जो अभी बीमार युवक है उसका अस्पताल में इलाज जारी है। मृतक युवक गोरखपुर का बताया जा रहा है और दूसरा बस्ती निवासी बताया गया है। 400 मीटर की सर्किल दौड़ में यहाँ पर दोनों युवक यहाँ पर गश्त खा के गिरे हैं। 11वें राउंड में यहाँ पर दौड़ करते वक्त यहाँ पर दोनों बेहोश होकर गिरे हैं, गश्त खाकर गिरे हैं। एक युवक की इसके चलते मौत हो गई है। जेल वार्डन भर्ती की दौड़ में दोनों ने हिस्सा लिया था। मृतक युवक गोरखपुर का है, दूसरा बस्ती का है। तो तस्वीर देखिए आपको दिखा रहे हैं, पुलिस हालांकि मौके पर पहुंची है, घायल युवक को यहां पर अभी जो बीमार बताया जा रहा है उसको तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया है। दूसरे की यहां पर जांच चली गई है। इस पूरे मामले में PSC 26 वाहिनी की यहां पर दौड़ में दोनों ही शामिल हुए थे। एक युवक यहां पर दौड़ के दौरान बेहोश हुआ जिसकी मौत, और दूसरा युवक जो बेहोश हुआ था उसकी स्थिति अभी भी नाजुक है। दूसरा युवक यहां पर नाजुक स्थिति में अस्पताल में भर्ती, 11वें चक्कर में गश खाकर गिरे थे दोनों ही युवक। वैसे 26वीं वाहिनी में दौड़ परीक्षा यहाँ पर शुरू हुई है और उसी में दोनों युवक पहुंचे हुए थे, हिस्सा लिया था। तो 400 मीटर की दौड़ थी और विकास हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, क्या पता चल पाया कि आखिरकार बेहोश होने के बाद ये मौत किस वजह से हुई है? की आपको बता दें कि गोरखपुर से इस वक्त जेल वार्डन भर्ती की परीक्षा चल रही है जिसमें दूर दराज से बच्चे दौड़ अभ्यर्थी भाग लेने आए हैं। इसी में जो 400 मीटर की दौड़ में 12 चक्कर का होता है उसमें एक ग्राह है, चक्कर में कल दो युवक गश खा के गिर पड़े और जिनको अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां एक युवक की मौत हो गई, उसकी पहचान गणेश निषाद के रूप में हुई है और एक युवक घायल है। मूल रूप से पता लग रहा है कि ज्यादा दौड़ लगाने के कारण वो गश खा के गिर पड़ा, जिसके कारण अस्पताल में जाते वक्त उसकी मौत हो गई। जी बहुत बहुत शुक्रिया विकास इन तमाम जानकारियों के लिए। अगली बड़ी खबर ललितपुर से, जहां पर घर में घुसकर परिवार को पीटा गया है। दबंगों ने घर में घुस